चुप्पियों के पथ पर। चुप्पियों के पथ पर हाल ही में वेरा प्रकाशन जयपुर से यह कविता संग्रह आया है और इस संग्रह का अपना एक नया स्वर है। समय को, संसार को देखने का एक अंदाज कवि का होता है। कवि जिस तरह से समाज को देखता है, जरूरी नहीं कि वैसे ही अन्य लोग भी देखें। कवि के लिए संसार एक अलग ही ढंग से चहलकदमी करते हुए आता है। आम आदमी की दुनिया अलग तरह से होती है और कवि की दुनिया, और दुनिया को देखने का उसका अपना एक ढंग होता है। संसार सबके सामने है और सबके लिए संसार एक तरह से प्रस्तुत होता है, पर उस संसार को देखना, उस संसार से नए संसार की रचना करना, नया संसार बनाना, यह कवि का, रचनाकार का काम होता है। और इस दृष्टि से देखें तो कवि की वाणी, कविता अपने ढंग से बोलती है। इस संग्रह से कुछ कविताओं को लेते हैं। कविता है शताब्दी के राग। समय बुनता रहता है सन्नाटा, एक सन्नाटे से दूसरे सन्नाटे में जाते हुए बुनते ही रहते हैं शताब्दी के राग इस तरह कि इसी किनारे से जीवन रचा जाता हो और यहीं से आदमी आते जाते संसार को पढ़ते रहते हैं और अपने ही चिन्ह को रचने की चिंता में सब आ जाते हैं। इस तरह रह रह खिलता है अस्तित्व का फूल। जब आप लय हो जाते हैं, अपने आप में डूब जाते हैं, तो खुल जाता है अस्तित्व का पन्ना। अस्तित्व राग में कोई और नहीं, बस ध्वनियां लेती हैं आकार। यहां कोई किसी को नहीं सुनता। इस क्रम में आने के बाद सबके भीतर जो बसता है, जो ध्वनियां भीतर बसी हैं, उसी को जी रहा होता है आदमी। अपनी ध्वनियों को सुनने के क्रम में न जाने कहां कहां चला जाता है आदमी। एक और कविता है, दुनिया तो दुनिया ही है। दुनिया है इसे बस बस दुनिया मत कहो, हो सके तो इतना आगे बढ़ो कि दुनिया अपनी रीत नीति में शामिल कर ले, और न भी करे तो भी कोई दुनिया कहां छोड़ता। दुनिया में ऐसे शामिल रहता है कि दुनिया के अलावा कोई और हो ही नहीं। बस इतनी सी दुनिया नहीं होती, जो बार बार दुनिया देखा है, कहते जाते हैं दुनिया उतनी भी नहीं जो आंख में समाई है, या वह भी नहीं जो आंख में आ ही नहीं पाया। दुनिया तो इस लोक से उस लोक तक गति में पहिए की तरह घूमती रहती है, दुनिया रुकती ही नहीं, और गति ऐसी कि खुली आंखों से भी कुछ दिखाई नहीं देता। कहते हैं कि दुनिया गोल है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह, और न जाने कैसे कितने ही आए गए, कितनों ने कितनी ही तरह से समझाया दुनिया के बारे में। अब आप कुछ समझ ही नहीं पाते तो भला दुनिया किसी और का, दुनिया का भी क्या दोष। दुनिया को न समझकर भी समझने का दावा करने वाले कम नहीं, और समझदार लोग इतने हैं कि
कि समझ जाते हैं कि दुनिया क्या है, पर किसी को दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं समझाते। दुनिया तो बस दुनिया ही है, इसे अपने अपने रंग में, अपने ही अंदाज में और अपने ही ढंग से देखते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि दुनिया को दुनिया की तरह न देख कुछ और ही देखते हैं लोग, और कहते हैं कि दुनिया तो दिखती ही नहीं। एक और कविता ले लेते हैं क्रमिक विस्तार में। एक नियत समय के बाद अपने होने को इस तरह पढ़ता कि संसार में कोई और काम ही नहीं, संसार कथा को लिए लिए चलता रहता। एक कथा शुरू होती कि दूसरी तीसरी कथाएं भी आ जाती। इस क्रमिक विस्तार में कथाएं आती रहती हैं, क्रमिक विस्तार ही जीवन होता और कुछ नहीं। इसी क्रम में आते जाते संसार को जानने के लिए पर चलते रहते हैं। इन कथाओं के भीतर संसार खुलता और बंद होता रहता। संसार को जीते हुए संसार से दूर नहीं जाना, यहां संसार ही जीवन रचता रहता और इसे न भूल सकने न भुला सकते। न ही वह केवल अपने लिए होता, अपने से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया होती जिसे हम जीते हैं।